हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैनी डा, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आपके लिए पुणे के पास में एक ऐसा माउंटेन हिल रिसोर्ट जिसे माउंटेन व्यू, लेक व्यू है और ये कंटेनर स्टे है, बहुत ही बढ़िया और यूनिक एक्सपीरियंस आपका होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर ना आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉटरी है, यहाँ पर सोप की फैक्ट्री है और यहाँ पर बाम्बू फैक्ट्री भी है। यहाँ पर तो जो भी चीज़ें बनाई हुई है सब बाम्बू की है और ये सब यहीं पर बनाई हुई है और यहाँ पर सेल भी होता है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर इंडोर आउटडोर गेम्स भी है और मैं आपको तो व्यू दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया लेक व्यू यहाँ पर मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटरफॉल भी है और यहाँ पर एक नहीं दो दो वाटरफॉल है, मतलब आप मानसून में आ रहे हो तो आप वाटरफॉल का भी मजा ले सकते हो, मतलब बहुत ही बढ़िया है। स्विमिंग पूल एरिया भी है, आउटडोर एरिया भी बहुत बड़ा है। यहाँ के जो लॉन लैंडस्केप ये सब कुछ जो बने हुए हैं ना, बहुत ही बढ़िया है। आपको ये रिसोर्ट बहुत ही पसंद आने वाला है और ये पुणे के बहुत पास में है, हिंजौड़ी से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप हिंजौड़ी फेज 3 से आते हो तो मान गांव से ये आपको ये रिसोर्ट पड़ेगा और या फिर आप कासरवाड़ी से भी यहाँ पर आ सकते हो, मतलब बहुत ही पास में आपको यूनिक स्टे यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और प्राइस भी मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ के सभी एक्टिविटीज आपको दिखाने वाली हूँ, तो आखिर तक बनाई रहिएगा। हिंजेवाड़ी पिरंगुड रोड से 5 किलोमीटर स्ट्रेट आने के बाद ऋषिगंधा लॉन से राइट लेने के बाद हम लोगों को 12 किलोमीटर स्ट्रेट चल के हमारा रिसोर्ट लगता है। सो यहाँ पर ना टोटल 8 कंटेनर्स है, 4 डिलक्स रूम है। अगर आपको कंटेनर में नहीं रहना तो आप डिलक्स रूम में भी रह सकते हो। यहाँ पर 2 फैमिली रूम भी है जिसमें 4 बेड रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पर्सन भी आराम से सो सकता है, इतनी बड़ी रूम है ये। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर की ओर बहुत ही बड़ा लॉन एरिया है, यहाँ पर ना कैंप भी लगता है। यहाँ पर टोटल 12 कैंप लगाए जाते हैं तो आप वो भी रह सकते हैं। इसकी जो प्राइस है ना, मैं अभी आपको बता देती हूँ, 1600 रुपीज की प्राइस है जिसमें आपको फुल मील मिलता है और एक्टिविटीज जिसमें स्विमिंग पूल है, पॉटरी हो या फिर आपको कौन से भी स्टूडियो घूमना होगा तो वो सब कुछ आप घूम सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो लैंप लगे हुए है वो भी सभी बाम्बू के बनाए गए हैं। यहाँ पर जो सीट आउट्स है वो भी बहुत बढ़िया है वुडन के। यहाँ पर टोडलर एरिया है और यहाँ पर ट्रेम्पोलिन भी है। और गाइज ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया प्लस रेस्टोरेंट, तो चलिए आपको रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा है, वेज नॉन वेज ऐसे दोनों भी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटर करते ही हम लोग ये बाम्बू की चेयर दिखाई पड़ रही, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई है। यहाँ के जो शोपीस है वो भी बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया जो कि बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर ना करोके भी होता है, रात के टाइम पर म्यूज़िक भी बजता है तो आपका बहुत बढ़िया सा एंटरटेनमेंट होने वाला है। ये है यहाँ का किचन, तो चलिए आपको किचन भी दिखा देती हूँ। ये है यहाँ का हम लोग अभी जा रहे हैं कंटेनर के पास, मैं आपको कंटेनर जो रूम है वो वाली दिखाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको जाते टाइम में दिखा दूँ। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नेचुरल तरीके से बनाए हुए हैं सिटिंग्स है जिसमें पेड़ या फिर रॉक रखे हुए हैं जिसके वजह से आप पेड़ के नीचे बहुत अच्छे से आराम कर सकते हो। यहाँ पर बॉन फायर भी लगा सकते हो और यहाँ पर देख रहे हो ये है कार्ट। हम लोग अभी जा रहे हैं कंटेनर के यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये लैम्प है, ये भी बाम्बू का बनाया हुआ है और ये है कंटेनर्स। जो चाहिए दिखा देती हूँ, यहाँ के जो पाथवे है वो भी बहुत बढ़िया है, ये बोगनवेल और ये सब कुछ बहुत नेचुरल चीज़ें यहाँ पर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज़ों को रखा गया है। और ये आप देख रहे हो ये है सामने के साइड पर लेक, तो आप जो भी कंटेनर में रहने वाले हो उस सभी कंटेनर्स को लेक व्यू है और माउंटेन का व्यू है। जैसे कि आपको पता ही है ये हिल टॉप रिसोर्ट है और बहुत ही बढ़िया व्यू के साथ इस कंटेनर को बनाया गया है।
मैं अभी आपको यहाँ के जो कंटेनर्स की रूम है वो दिखाने वाली हूँ, और उसका जो व्यू है वो इतना बढ़िया है, आप देख सकते हो सामने माउंटेन है, हम लोगों को लेक दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो लाउंज बनाया गया है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत ग्रीनरी है, और यहाँ पर सिटिंग दी गई है, आप देख सकते हो बाम्बू से बनाई गई है सिटिंग है, स्विंग है यहाँ पर, और ये रहा कंटेनर। तो चलिए कंटेनर की रूम दिखा देती हूँ, और ये रही रूम, रूम भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, और ये देख सकते ये है किंग साइज बेड, और बेड को इस तरह से रखा गया है जिससे आपको ये खूबसूरत माउंटेन और लेक का व्यू दिखाई पड़ सके। और चलिए मैं अंदर चलती हूँ, ये है बेड, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा की चेयर रखी गई है, और यहाँ पे ना टोटल 3 विंडोज है, मैं आपको सामने की तरफ से दिखा देती हूँ, ये है 1, 2 और 3, मतलब आपको व्यू बहुत ही बढ़िया दिखाने वाला है। यहाँ पर बड़ा मिरर लगाया गया है, यहाँ पर है आप देख सकते हो ये भी बाम्बू का बना गया है, यहाँ पर है एक्स्ट्रा के जो हम लोग के पिलोज और ब्लैंकेट है वो, यहाँ पर केटल है, केटल और पाउचेस वो सब कुछ यहाँ पर रखाए गए हैं, और ये आप सोप देख रहे हो, हम लोगों ने जो देखा था स्टूडियो जहाँ पर सोप बनाते हैं वहीं पर ये सोप बनाया गया है, हैंडमेड है, मतलब आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी का हम लोग को सब चीज़ें दी जाती है। और ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम भी आप देखो कितना बड़ा है, और ये देखिए यहाँ पर गीजर भी है, और काफ़ी अच्छा है साइज कंटेनर के माने। और ये रही रूम, रूम भी बहुत काफ़ी बढ़िया, और आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर गर्म होता होगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एसी लगाया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ पर के एक्स्ट्रा के शीट लगाए गए हैं जिसके वजह से हम लोग को बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, बस आप अच्छे से व्यू एंजॉय करते हुए यहाँ पर स्टे कीजिए। हम लोगों को जो रूम से व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत दिख जाता है, हम लोग अभी जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ, यहाँ पर बहुत अच्छी सिटिंग है, पॉटरी एरिया जहाँ पर हम लोगों को मर्द से पॉटरी बनाना सिखाते हैं, 1:30 बजे के बाद ये जो प्लेस है वो स्टार्ट हो जाती है। सो ये इस स्टूडियो में ना सोप बनाया जाता है, मैं भी आपको सोप कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। हेलो, क्या आप मुझे दिखाएंगे सोप कैसे बनाते हैं? ये बेस है इसका, हाँ, उसको कटिंग करने का, छोटा छोटा काट करने का, हाँ, बाद में वो गर्म पानी उसको उबालने का, और यहाँ पर जो सोप बनाते हैं वही रूम्स के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑयल्स है ये फ्रेग्रेंस के लिए है क्या? ये पपाया है, पपाया फ्लेवर है, हाँ, अंदर रखने का और उबलने का, उबलने के बाद वो गल जाता है पूरा, हाँ हाँ, इसमें डालने का, वो दूसरा भी मोल्ड है इसमें डालने का, ये मोल्ड में डालने का, फिर वो जब सूखने के बाद वो सोप हो जाता है, तो देखो ये रहा ये सोप सूखने के बाद, और इसको अलग अलग शेप भी दिया जाता है, और यहाँ पर कोई भी केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, आपके सामने ही ये बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया है, अलग अलग फ्लेवर्स है, फ्रेग्रेंस है यहाँ पर, और नेचुरल तरीके से बनाने का जो आप देखते हो उसमें मज़ा ही कुछ अलग है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको यहाँ का जो बाम्बू स्टूडियो है जहाँ पर बाम्बू की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती है वो आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि यहाँ पर सेल भी होती है, तो आप यहाँ पर ये जो यूनिक चीज़ें हैं वो खरीद भी सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हो ये है यहाँ का बाम्बू स्टूडियो, बहुत बड़ा है, यहाँ पर ये कटिंग सब कुछ चल रही है बाम्बू की, और हम लोग अभी ये स्टूडियो के अंदर जा रहे हैं, और ये देखो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि इसका आवाज़ भी बहुत बढ़िया आ रही है।
तो चलिए अंदर जाके हम लोग देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बने हुए बाम्बू के पॉट जिसमें मनी प्लांट लगाया जाता है, बहुत ही कलरफुल लैंप, उसके साथ साथ हैंड बैग और अलग अलग शोपीस की चीज़ें यहाँ पर रखी गई है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप परचेस करके यहाँ से लेके जा सकते हो। सो गाइज, मैं अभी आपको यहाँ का जो इंडोर गेम एरिया है वो दिखा देती हूँ और बाहर की तरफ है आउटडोर गेम एरिया जहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉन है, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, पेड़ है, बाम्बू के ट्रीज है, उसकी वजह से बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर क्रिकेट का प्लेग्राउंड भी है, आप यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हो। उसी के साथ साथ ये है इंडोर गेम एरिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा बाम्बू से बना हुआ है। यहाँ पर है टेबल टेनिस, सामने के साइड पर है सॉकर और यहाँ पर है कैरम। और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ की जो चेयर्स बनाई गई है, जो टेबल ये सब कुछ है, वो सब कुछ बाम्बू का बनाया हुआ है और यहीं पे बनाया गया है। उसके वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ के बने हुए चीज़ें ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो गाइज, मैं अभी आपको स्विमिंग पूल एरिया दिखा देती हूँ। ये है स्विमिंग पूल, ये आप देख रहे हो ये किड्स पूल है और ये अडल्ट पूल है। पूल काफ़ी बड़ा है और बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ आप देख सकते हो माउंटेन के एकदम नीचे पूल है, उसके वजह से आपको यहाँ पर स्विमिंग करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वाटरफॉल। और ये जो वाटरफॉल है ये बारिश के मौसम में एक्टिव रहता है। अगर आप बारिश के मौसम में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल वाटरफॉल मिलने वाला है जहाँ पर आप भीग सकते हो। बहुत ही बढ़िया है ना। तो इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ, यहाँ के जो कंटेनर रूम्स है उसकी प्राइस है 4,500 रुपीज, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। और यहाँ के जो डिलक्स रूम है उसके प्राइजेस है 3,500 रुपीज। जो लेक व्यू है जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, डॉर्मेट्री भी है, फैमिली रूम है बहुत बड़ी बड़ी, मतलब यहाँ पर आप डे एक्टिविटी के लिए भी आ सकते हो, जिसके प्राइजेस है पर पर्सन 1,000 रुपीज, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच और जो हाई टी है वो इंक्लूड है। यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, जो स्टूडियो के जो विजिट है, वो भी सब आपको यहाँ पर फ्री है। तो अगर आपको पुणे के बहुत पास में, मतलब ये 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है, अगर आना होगा डे टूर के लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हो। स्टे के लिए भी जो कंटेनर है वो बहुत ही यूनिक है, उसके लिए भी आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको पुणे के आसपास में जो भी टूरिस्ट प्लेसेज या फिर आपको कुछ भी रिसोर्ट का जो टूर चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये रिसोर्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।